एक सार्वजनिक प्रश्न है, प्रायः बहुत से पंडित लोग पूछते रहते हैं और लोगों को भी भ्रांति है और प्रायः समाज में गलत प्रथा हो गई है, उसी के निवारणार्थ ये जो है पंडित जी प्रश्न पूछना चाहते हैं। मध्य प्रदेश से हैं विश्वक सेन मुकुंद देशमुख जी। इनका प्रश्न है कि क्या शुभ कर्म में सिर ढकना चाहिए? शुभ कर्म में सिर ढकना शास्त्रीय है या अशास्त्रीय है, ये मुख्य रूप से पूछना चाहते हैं। देखिएगा, कोई भी शुभ कर्म किया जाए, उस शुभ कर्म में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि सिर ढक ले वे। सिर ढक करके, वेष्टित सिर होकर के कोई भी शुभ कर्म नहीं करे। वेष्टित कर्म, वेष्टित सिर होकर के और कर्म करने के लिए निषेध है, विधि वाक्य कहीं भी नहीं। वाससी परिधाया, यही बस, स्नान करके वाससी यानी दो वस्त्र पहने, नीचे लांग लगा करके धोती और उत्तरीय धारण करके, और वो कर्म का अधिकारी होता है। सिर पर वेष्टन करना, सिर को ढकना तथा उष्णीष इत्यादि बांधना, पगड़ी आदि बांधना, ये शास्त्रों में निषेध है। शुभ कर्म करते समय, यात्रा आदि के दौरान आप कर सकते हैं, यात्रा के समय पर सिर ढक करके जा सकते हैं, परंतु शुभ कर्म में नहीं। देखिएगा, जप आदि शुभ कर्म करने के लिए शास्त्रों में निषेध किया गया है। कहा गया है कि उष्णीसी कंचुकी नग्नो मुक्त केशो गलावृत अपवित्र करो शुद्धा प्रलपन्न जपेत क्वचित। जपाद नियमों का उद्धरण करते हुए, जपाद नियमों का विधान बतलाते हुए आचार्य चरण कहते हैं, ऋषि महर्षि कहते हैं कि उष्णीषी, इतने व्यक्ति इसमें गिनाए गए हैं कि ये ऐसा व्यक्ति, ऐसी अवस्था वाला व्यक्ति जप आदि कर्मों में सर्वथा अनधिकृत है, अनधिकारी है। जिसमें कह रहे हैं उष्णीषी यानी जिसने उष्णीष बांध रखा है सिर पर, पगड़ी या कोई भी वेष्टन वस्त्र सिर पर बांध रखा है वो व्यक्ति। कंचुकी, कंचुकी आदि पहन रखी है, सिले वस्त्र इत्यादि जो है कंचुकी धारण कर रखी है, जिसको आप ले सकते हैं बनियान कुर्ता या आदि जो अशास्त्रीय वस्त्र हैं, शास्त्रीय नहीं है, उन वस्त्रों को भी पहन करके कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। अशास्त्रीय वस्त्र वे हैं, सामान्य रूप से समझ ले, जो वस्त्र ऊपर से पहने जाते हैं अथवा नीचे से पहने जाते हैं वे सभी अशास्त्रीय हैं। बगलबंदी यहां से बांध लेते हैं और लंगोट नीचे से लगा लेते हैं, या जो है धोती पहन लेते हैं नीचे से, तो या उत्तरीय डाल लेते हैं, तो ये सब शास्त्रीय है। नीचे से पहनने वाले चड्डी आदि नेकर और ऊपर से पहनने वाले, ये सब अशास्त्रीय हैं। तो ये वस्त्र पहन करके भी व्यक्ति जो है शुभ कर्म न करे। उष्णीषी कंचुकी नग्न, कोई कुछ पहने ही नहीं, लांग न लगाए। बहुत से लोग आजकल पंडित लोग भी लांग नहीं लगाते, बिना लांग लगाए जो है घूमते हैं। तो हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो लांग न लगा करके पंडित घूम रहे हो और पंडित करने के लिए जा रहे हो, तो उनको जो है लांग खोल लेना चाहिए, बिल्कुल वही खोल दो, बिल्कुल खींच दो उनको, ताकि वे जो है समय सुधरे। लिखा हुआ है कि मुक्त कच्छस्तु यो विप्र पृथिव्याम पाद तश्चरेत पदे पदे सुरापानम निष्कृष्यते नैव विद्यते। ये जो बिना लांग लगाए जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या ब्राह्मण तीनों का उपलक्षण है, उपलक्षक है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बिना लांग लगाए पृथ्वी पर चलते हैं, तो पदे पदे सुरापानम, एक एक कदम पर मदिरा पान करने का पातक लगता है, और इसकी कोई निष्कृति नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं है। निष्कृति नैव विद्यते, निष्कृतिर नैव विद्यते, कोई भी निष्कृति नहीं है, प्रायश्चित नहीं है, जो तो भोगना ही पड़ेगा, मना कर रहे हैं ऋषिगण। इसलिए नग्न, वो नग्न ही है
लिखा हुआ जिसने उत्तरीय धारण नहीं किया है वो व्यक्ति नग्न है। आप कहते ना कि भाई हम तो ये पहने हुए हैं, हमने तो जो है लांग तहमद लगा रखा है, मुसलमानी ढंग से जो है पहन रखी है धोती को, वो सब अशास्त्रीय, वो शास्त्र की दृष्टि में आप नग्न हैं, निर्वस्त्र हैं, तब तो नग्न है ही। ऐसी ऐसी अवस्था वाला भी नग्न है, उसको भी बिना लांग लगाए, बिना शास्त्रीय वस्त्र पहने, बिना भारतीय परिवेश में, शास्त्रीय परिवेश में व्यक्ति अशास्त्रीय परिधान धारण करने वाला किसी भी शुभ कर्म का अधिकारी नहीं है। और मुक्त केश, जिसने अपनी शिखा खोल रखी है, केश खोल रखे हैं, वो भी व्यक्ति, वो ऐसी माताएं भी जो अधिकारिणी नहीं है। माताओं को भी, बहनों को भी सदा केश बांध करके, वैणी बना करके रहना चाहिए। और लिखा हुआ है पुरुषों को भी सदाबद्ध शिखा, सदाबद्ध शिखी है ना, सदाबद्ध शिखी होना चाहिए। इसके ऊपर कह चुके हम, पीछे विवरण देख लेना। और गलावृत, बहुत से लोग जो साफी को जो है उत्तरीय होता है उसको ऐसे डाले रहते हैं दोनों तरफ से, तो वो उत्तरीय भी अशास्त्रीय है। जैसे ये अभी मैं इसको ऊपर से निकाल करके डालूं, ओढ़ लूं, तो वो अशास्त्रीय हो जाएगा। ये डाले हुए कई लोग कह रहे हैं आप इसको डिजाइन में डाले रहते हैं, नहीं नहीं भाई ये शास्त्रीय है। बाएं हाँ कंधे के ऊपर होना चाहिए, जैसे यज्ञोपवीत है ऐसे ही उत्तरीय धारण करना चाहिए। बड़ा हो तो आप इसको ऐसे डाल सकते हैं, अन्यथा एक कंधे पर ऐसे भी डाल सकते हैं पीछे। तो ये इसको सभ्य अवस्था कही गई है, तो उसमें जो है उत्तरीय को धारण करना चाहिए। अगर कुछ कुछ लोग ऐसे डाल लेते हैं दोनों तरफ से नीचे आया हुआ, चाहे कोई भी हो वो अशास्त्री है, वैसा यज्ञोपवीत और वैसा जो है उत्तरीय धारण करना, उदंग मुख जो दिव्य मनुष्यों का तर्पण आदि करते हैं तब के लिए विधान है। दिव्य मनुष्यों का कार्य करते समय ऐसा करना चाहिए। और इसको उत्तरी को अगर ऐसे डाल दिया जाए, यज्ञोपवीत को भी दाएं कंधे पर और बाएं हाथ के नीचे कर दिया जाए, तो पितृकर्म करने की अवस्था बन जाती, दक्षिणाभिमुख होकर के पितरों को पिंड दान तर्पण आदि करते समय वैसा किया जाता है, अन्यथा सर्वथा ऐसा नहीं। सदोपवीतिना भाव्यम, सदा उपवीत उपवीति अवस्था में रहना चाहिए। ऐसे ही डाल करके उत्तरीय को भी बाएं कंधे पर और यज्ञोपवीत को भी बाएं कंधे पर रखना चाहिए, दोनों कंधों पर अथवा दाएं कंधे पर नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग और इसको डाल करके और इसको उत्तरीय को यूं डाल लेते, अर्थात जैसे कुछ बच्चियां भी डालती हैं, बहनें भी डाल लेती हैं, तो वो जो है उनके लिए भी गलत ही है और भाइयों के लिए, पुरुषों के लिए भी गलत है। ऐसे यूं डाल करके वो यूं डाल लिया, गले में गलावृत कर लिया, गले को घेर लिया, आवृत कर लिया, तो वो भी व्यक्ति किसी भी कर्म का अधिकारी नहीं है। कोई भी गले में जो है ऐसे अंटा दे लिया, कोई भी मफलर आदि का या कोई भी वस्त्र का, तो वो भी अधिकारी नहीं है। मना कर रहा है, कह रहे हैं मुक्त केशो गलावृत, जिसने अपने गले को आवृत कर रखा है परिधान से, वस्त्र से, तो वो भी कर्म करने का अधिकारी नहीं है। अपवित्र कर, जिसके हाथ पवित्र नहीं है, अपवित्र है, वो व्यक्ति भी कोई भी कर्म करने का अधिकारी नहीं है। हाथ अपवित्र, आप चाहे कोई कहे हमने तो भैया हैंड वॉश से धो रखे हैं, इससे धो रखे हैं, साबुन से धो रखे हैं, अरे इससे कोरोना भाग सकता है पर हाथ आपके शुद्ध हो गए ऐसा नहीं कहा जा सकता, वो अपवित्र ही रहेंगे। स्वच्छ हो गए ये कह सकते हैं आप अपने जो है हृदय से दिमाग से, परंतु वो पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शुद्ध किससे होते हैं, मृत जलाभ्याम शुद्धि ही, शुद्धि तो मिट्टी और जल से ही होगी। तो आजकल जो शौचादि क्रिया करके और लोग जो हाथ साबुन से धो लेते हैं, उनके हाथ सर्वथा अपवित्र ही हैं, उनके हाथ पवित्र नहीं है। जब तक कोई भी मिट्टी से हाथ नहीं धुलता तब तक वो कोई भी शुभ कर्म करने का अधिकारी नहीं है, ये कह रहे हैं, क्योंकि अपवित्र कर, जिसके कर हाथ ही अपवित्र हैं, तो वो कर्म कहां से होगा। कोई भी कर्म हाथ से ही संभव है, जपादि कृत्य भी तो हाथ से ही होगा, हवन भी हाथ से होगा, पूजन भी होगा, तो वो सब कोई भी शुभ कर्म करने का व्यक्ति अधिकारी नहीं है जब तक उसके हाथ अशुद्ध हैं। इसलिए कम से कम जो जहां भी है, वैसे तो लिखा हुआ है
कि जो है दोनों हाथों को पहले पहले बाएं हाथ को जो है शौच के बाद में सात बार धोए, बाएं हाथ को दस बार धोए और फिर दोनों हाथों को मिला करके सात बार धोए, सत्रह बार हाथ शौच के बाद। और इसी तरीके से जो है मूत्र विसर्जन के बाद उसके भी बाद लिखा हुआ है एकालिंगे तो सभ्येत्री उभयोर मृत द्वयम स्मृतम मूत्र शौचम समाख्यातम मैथुने द्विगुणम स्मृतम। एक बार लिंग पे मिट्टी लगाएं और सभ्येत्री बाएं हाथ में जो है तीन बार मिट्टी लगाएं, उभयोर मृत द्वयम स्मृतम दोनों हाथों पर मिट्टी जो है दो बार लगाएं और तब जो है मूत्र शौचम समाख्यातम, ये मूत्र के जो है बाद इतनी शुद्धि का विधान शास्त्र करते हैं। और मैथुने द्विगुणम स्मृतम, यदि स्त्री प्रसंग कर लिया जाए तो जी मूत्र शौच को ही दूना कर लेना चाहिए, तो मिट्टी से ही हाथ धुलने में शुद्धि है, तब तक वो हाथ जो है अशुद्ध ही हैं। तो कम से कम ऐसे वातावरण में भी अपने साथ कुछ न कुछ मिट्टी रखे, साबुन आदि से खूब धोने के बाद स्वच्छ करने के बाद पवित्रता के लिए एक बार तो अच्छी तरीके से मिट्टी लगा करके हाथ धुलना ही चाहिए, अन्यथा वो जो है किसी भी कर्म करने का अधिकारी ही नहीं रहेगा। तो ये है अपवित्र और अशुद्ध। शास्त्रीय दृष्टि से किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अशुद्ध है तो वो भी कर्म करने का अधिकारी नहीं है। प्रलपन्न जपेत क्वचित, और बात करते हुए अन्यथा मन रखते हुए भी जप तर्पण हवन पूजन और भी कोई भी संस्कार आदि करने में वो व्यक्ति अधिकारी नहीं है। ये जप अन्य सभी शुभ कर्मों का उपलक्षक है। और तो और देखिए, अगर किसी ने सिर ढक लिया है, सिर की बात चल रही है, उष्णी सी कहा गया है, सिर ढक करके तो भोजन भी नहीं करना चाहिए। भोजन करना भी एक यज्ञ है, ये अंदर जो है प्राण अपान ब्यान समान और उदान अग्नियां हैं और उनमें जो है हम जो है आहुति दे रहे हैं, ये भावना रख करके भोजन किया जाता है। आत्म तत्व के लिए भी तृप्त करना ये जो है शास्त्रीय कृत्य है या शास्त्रीय नहीं है, तो ये कर्म भी सिर ढक करके नहीं करना चाहिए। भगवान मनु ने जो तीसरे अध्याय में 238वें श्लोक में कहा गया है, कहा है कि यो वेष्टित सिरा भुंगते, यद वा कहीं पाठ है यद का, यद वेष्टित सिरा भुंगते यद भुंगते दक्षिणा मुख सोपानत कश्च यद भुंके तद वही रक्षांश भुंजते तत्सर्वम आसुरम स्मृतम। ऐसे करके भी पाठ है कि यो वेष्टित सिरा भुंगते, जो सिर पर पगड़ी बांध करके भोजन करते हैं, जो दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करते हैं, जो जूते पहन करके भोजन करते हैं, और वो सभी आशुर कर्म है रक्षांश भुंजते, वो सब जो है वो सब वो कुछ नहीं खाते हैं, वो राक्षस भोजन है, वैसे उनके द्वारा राक्षस ही खाते हैं, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति वही बात कह रहे हैं, वो तो राक्षस रक्षांश भुंजते, वो भोजन भी राक्षस भोजन है। तो यहां तक कि सिर बांध करके देव पूजन आदि कृत्य स्वयं के कृत्य भोजन आदि भी नहीं करना चाहिए। तो भाई सिर बांध करके क्या करना चाहिए? सिर बांध करके आप यात्रा कर सकते हैं जिसके लिए बताया गया है। और देखिए सिर कहां बांधना चाहिए? श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया है कि अंतर्धाय तृणैर भूमिम शिरः प्रावृत्यवाशसा वाचम नियम्य यत्नेन स्थीवनोच्छ्वास वर्जितः। बोले शौच करने के लिए जाए तो सिर बांधे, मल त्याग करने के लिए जाए है ना, शौचालय में जाए तो व्यक्ति को सिर बांध करके जाना चाहिए, सिर खोल के नहीं जाना चाहिए, उस समय सिर ढकने के लिए विधान है। अंतर्धाय तृणैर भूमिम, यहां तक बात है, देखिए आप सुनेंगे तो ऐसा समझेंगे, हमारे यहां ये लिखा गया है कि शास्त्रों में कि निरावरण भूमि पर मल त्याग नहीं करे, अयज्ञीय वृक्ष के पत्तों को, शुष्क पत्तों को और अयज्ञीय काष्ठ को नीचे डाल करके, तृणों को नीचे डाल करके उसके ऊपर मल त्याग करे, बाद में फिर उसको ढक दे। अंतर्धाय तृणैर भूमिम, भूमि को भी अंतर्धान कर देना चाहिए, ढक देना चाहिए तृणई ही तृणों से, और सिरा प्रावृत्य वाशिषा, और सिर को अपने वस्त्र से ढक लेना चाहिए।
आवृत्त कर लेना चाहिए। और वाचम नियम्य यत्नेन, यत्न पूर्वक वाणी का संयम करते हुए बोले नहीं, और स्थीवनो श्वास वर्जितः, उस समय न ज्यादा जो है जोर जोर से श्वास खींचे ना वहां थूक है। स्थीवन माने होता थूकना, थूकना जोर जोर से श्वास लेना भी मतलब त्याग करते समय निषिद्ध है। तो उस समय सिर को ढक करके जाने का शास्त्र विधान करते हैं। तो अब देखिए, सिर ढकना मल त्याग करते समय, यात्रा आदि करते समय सिर को ढकने के लिए जो है विधान किया गया है। अन्यथा देव पूजन आदि कृत्यों में, भोजन आदि स्वयं के कृत्यों में भी सिर को ढकना सर्वथा अशास्त्रीय है। हाँ, एक बात और बताएं आपको, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई सर्दी है, या जहाँ सर्दी का माहौल है या बर्फ पड़ती रहती है, तो वे लोग प्रायः कान को बांधते हैं तो सिर को भी बांध देते हैं, तो क्या ये सही है क्या? वो लोग कैसे करेंगे फिर कर्म को? तो उनके लिए कहा गया है भाई कान आप ढक सकते हैं, कानों को भले ढकें, पर सिर तो खोल करके ही संध्या वंदन आदि शुभ कर्म करना चाहिए, ये तो निश्चित है। हाँ, परंतु माताओं के लिए ये छूट है, माता बहनें जो है सिर को खोल करके कृत्य न करें, वे तो सिर को ढक करके ही कृत्य करें, उनको तो सदा सर्वदा जो है सिर को ढक करके ही रखना चाहिए। अब गुंठन, लोग कहते हैं कि भाई ये जो है ये घूंघट मारना हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे गुरुजी पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अवगुंठन शास्त्रों में कई जगह लिखा है, इसका शुद्ध नाम संस्कृत में अवगुंठन, यानी मुख ढक करके घूंघट मार करके रहना चाहिए। हमारे यहाँ ब्रजमंडल में तो आप जाकर के गाँव में देखें तो पुरानी पुरानी माताएं सब बड़े लंबे लंबे घूंघट डाल करके चलती हैं, आप देख सकते हैं, और गाँव में अभी भी ये परंपरा अक्षुण रूप से विद्यमान है। तो माताएं सिर ढक करके शुभ कर्म कर सकती हैं। हर हर महादेव।